पूर्व सांसद धनंजय सिंह महीनों बाद मंगलवार को मीडिया के सामने आया। धनंजय ने अपनी फरारी से इनकार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निशाना साधने पर जवाब भी दिया। धनंजय ने कहा कि बुधवार को जदयू के टिकट पर मल्हनी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। पिछले दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धनंजय का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर किया था और सीएम योगी पर निशाना साधा था। इसके जवाब में धनंजय ने कहा कि मल्हनी ही नहीं, हर विधानसभा में सपा की ताकत को कमजोर कर रहा हूं, इसके कारण वो मुझे लक्ष्य बना रहे हैं। 25,000 का इनाम घोषित होने के बाद से फरार होने के सवाल पर धनंजय ने कहा कि मैं फरार नहीं हूं। 25,000 का इनाम जिस दिन मेरे ऊपर घोषित हुआ उसके अगले ही दिन मैंने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद जमानत पर हूं। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद हमने लखनऊ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और बताया जाए कि किस मामले में मेरे खिलाफ वारंट है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान में लिया और उसकी विवेचना चल रही है। मीडिया में सामने आने से पहले धनंजय की जौनपुर की अदालत में सरेंडर कर दिया। अपहरण और रंगदारी के मामले में उनके खिलाफ सत्र न्यायालय से वारंट जारी था। अदालत ने 50,000 के निजी मुचलके पर वारंट रिकॉल करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख नियत कर दी है। धनंजय सिंह पर 10 मई 2020 को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने FIR दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसे पचहटिया स्थित साइटी से अपहरण कर धनंजय सिंह के आवास पर ले जाया गया। वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और जर्बरन फर्म को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने को कहा। इनकार करने पर गोलियां और धमकियां दी, रंगदारी मांगी। उस मामले में धनंजय की गिरफ्तारी भी हुई थी, बाद में जमानत मिल गई थी, लेकिन तारीख पर नहीं आने के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया था। पिछले 5 सालों में कभी भी जनता के बीच में खड़े नहीं हुए, तो विपक्षी भूमिका में अपना मुख्यमंत्री जी को अपना टारगेट करते होंगे। उनके अपने उससे उनको लगता है कि हम ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को एक वो लेते हैं। कहीं स्वजाति होने का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं, इसलिए उसका खामियाजा तो नहीं टारगेट करते हैं? देखिए, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते। अखिलेश जी बार बार इस बात को कहते हैं, इतने सीनियर नेता होने के बाद उन्होंने एक आज तक के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मैं एक सीनियर पत्रकार से उन्होंने कहा कि मैं यादव हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अब दुर्भाग्य इस देश का कोई इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, भारत की संसद में रहा हो और ये कहे कि मैं यादव हूं इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो उससे तो उनके सोच की दिशा तय करता है। इस बार की क्या तैयारी मल्हनी कैसे चुना, क्योंकि पूर्व सांसद भी आपके सामने हैं, ऐसे में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम लोग मल्हनी 20 साल से राजनीति कर आ रही थी। मल्हनी हुई, थोड़ा सा डिलिमिटेशन में थोड़े परिवर्तन हुए थे, लेकिन उन चीज़ों को हम लोगों ने ठीक कर लिया। इस बार हम लोग चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे, 1 लाख से अधिक मत हम लोग प्राप्त करेंगे और चुनाव का अंतर भी हमें लगता है 30-35 हज़ार रहना चाहिए मेरा। कल KP सिंह मीडिया से बात करते सब कह रहे थे कि आपको 2014 में चौथे सांसद भेजे थे, इस बार भी वही होगा, इस पर क्या कहेंगे? चलिए, मुँह छोटी बड़ी बात है, 10 तारीख को परिणाम दिखेगा। हम लोग किसी लहर में जीतने वाले लोग नहीं हैं, ना लहर की राजनीति करते हैं, हम लोग जनता की राजनीति करते हैं। और अभी उपचुनाव में परिणाम दिखा था पूरे सभी लोगों को, और अभी 10 मार्च को सबको रिजल्ट दिख जाएगा। मल्हनी के मेन मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दों पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट इशू है। हम लोग जब आए थे मल्हनी, रारी बहुत पिछड़ा हुआ था, नाउ मल्हनी। तो जितना हम लोगों को 12 वर्षों तक सक्रिय राजनीति में रहे, बहुत हम लोगों ने काम किया रारी मल्हनी के लिए। अब जो है, पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे,